क्या आप इस एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए? इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ या इट इज अ सीर वेस्टेज ऑफ। तो अगर आप इस एडवांस स्ट्रक्चर को नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आपको कहना हो। वक्त की बर्बादी है या समय का नुकसान है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो तुमसे बात करना वक्त की बर्बादी है या तुमसे बात करना समय की बर्बादी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम टू टॉक टू यू। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के लिए ये भी कह सकते हैं इट इज अ सीर वेस्टेज ऑफ टाइम टू टॉक टू यू। यानी इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, जो आपको बोलने में इजी लगे आप उसे बोल सकते हैं। अगर आपको कहना हो कि इस काम को करना वक्त की बर्बादी है या इस काम को करना समय की बर्बादी है या समय का नुकसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम टू डू दिस वर्क। यानी इस काम को करना समय की बर्बादी है या समय की नुकसान है। इंग्लिश सीखना समय की बर्बादी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम टू लर्न इंग्लिश। यानी इंग्लिश सीखना समय की बर्बादी है। किसानी करना वक्त की बर्बादी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम टू डू फार्मिंग। यानी किसानी करना वक्त की बर्बादी है या समय का नुकसान है। तुमसे बहस करना वक्त की बर्बादी है या समय का नुकसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस विद यू। यानी तुमसे बहस करने में समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह स्ट्रक्चर आपको शानदार तरीके से समझ में आया। इट इज अ सीर वेस्ट ऑफ टाइम का इस्तेमाल वहाँ करना है जहाँ आपको कहना हो। वक्त की बर्बादी है या समय का नुकसान है। यहाँ मैं आपसे कहूंगा अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।